सो वेलकम बैक टू द GTA 5 वर्ल्ड। ये हमारा GTA 5 की दुनिया है जहां हमारी दुनिया से काफी ज्यादा अच्छे और मौज वाले चीजें होती रहती है हमेशा। तो गाइस आज हम लोग अपनी रेड वाली गाड़ी को लेके घूमने के लिए निकले थे जो बहुत ही ज्यादा एपिक है। इसको लेके जल्दी से घर पे रख देते क्योंकि भाई ये कार बहुत ज्यादा मजेदार है और मैं नहीं चाहता इस नई गाड़ी में टक्कर लग जाए और ये कार खराब हो जाए। और गाइस रुको जरा एक बार, ये तो देखो, अचानक अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग घर से निकले थे तब हमारे घर के अंदर ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं था जो हमारे स्विमिंग पूल के अंदर हो, बट अचानक ये दरवाजा हमारे स्विमिंग पूल में कहां से आ गया। लिटरली ये ओपन भी नहीं हो रहा है, ये काफी पावरफुल मुझे डोर लग रहा है। गाइस गोलियां मारने पे भी इस दरवाजे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक गाइस इसे काफी बहुत ही ज्यादा मजबूती से लगाया गया इस दरवाजे को यहाँ पे। लेकिन दरवाजे के पीछे है क्या? रुको, यहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है, रुको पढ़ के देखते हैं गाइस इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली टास्क टू ओपन डोर, ए कार्गो प्लेन लैंड ऑन मिडिल बिल्डिंग प्रिजन। ये क्या सीन है? एक्चुअली में गाइस इस पे लिखा हुआ है कि हम लोग को इस दरवाजे को खोलना है तो इसके लिए हमें कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिनमें से एक पहला टास्क है हमारा, हमें एक कार्गो प्लेन को लैंड करना है, वो भी प्रिजन की सबसे मिडिल वाली बिल्डिंग पे। और गाइस ऐसा नहीं किया हम लोगों ने तो ये हमारा स्विमिंग पूल के अंदर का दरवाजा कभी भी ओपन नहीं होगा और हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि इस दरवाजे के अंदर है क्या। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट और उठाते हैं कार्गो प्लेन एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टास्क। एयरपोर्ट तो जा रहे गाइस, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे मुझे कार्गो प्लेन मिलने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि उस टास्क में सीधा कार्गो प्लेन ही लिखा हुआ था। और फाइनली हमें कार्गो प्लेन मिल भी चुका है जो इस वक्त एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा है और मुझे इसे चोरी करना होगा, वरना गाइस हम लोग को ये एयरप्लेन कभी भी उड़ाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो लेट्स गो इसे चुराते हैं। तब तक गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट कर दो, तब तक हम लोग इस जल्दी से कार्गो प्लेन को चुराते और लेकर चलते। ओह माय गॉड, एक्चुअली गाइस ये कार्गो प्लेन देखने में छोटा लग रहा है पर ये है बहुत ज्यादा बड़ा। लेट्स गो, पर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग इसे लैंड कैसे करेंगे, वो भी प्रिजन के सबसे ज्यादा जो बीच वाली बिल्डिंग के ऊपर। लेट्स गो यार, बहुत ज्यादा ही बड़ा एरोप्लेन है, इसे कंट्रोल कर पाना भी काफी ज्यादा हैवी और डेंजरस लग रहा है मुझे। और गाइस अगर हम लोगों ने चैलेंज नहीं कंप्लीट किया तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि उस स्विमिंग पूल के अंदर जो दरवाजा लगाया गया है उस दरवाजे के पीछे है क्या। एक्चुअली में गाइस उस दरवाजे के पीछे कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर गाइस पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस प्रिजन। प्रिजन एक्चुअली जेल को बोला जाता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और वैसे हमें गाइस सबसे मिडिल वाली बिल्डिंग के ऊपर अपने एरोप्लेन को लैंड करना है, तो थोड़ा सा मुझे अपनी एरोप्लेन को और आगे लेके जाना पड़ेगा और फिर वापस से लेकर आते हैं टेक डाउन करने के लिए। ओके फाइनली अभी बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। हो सकता है एरोप्लेन क्रैश भी हो जाए तो हमें जंप भी करना पड़ सकता है। ओके फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से और सेफ लैंडिंग हो चुकी है हमारी। बट एक मिनट भाई, ये प्रिजन के जेलर्स और भाई कैदी सभी लोग पागल क्यों हो रहे हैं? एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट कर दिया है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि गाइस फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकंड टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पीछे ये पूरी की पूरी पुलिस आर्मी पड़ चुकी है यार। ओके चलो भैया अपनी गाड़ी दे दो क्योंकि हमें यहाँ से भागना है। और एक बार देखो तो जरा गाइस प्रिजन के ऊपर इतना बड़ा एरोप्लेन मैंने लाके खड़ा कर दिया है कि जेल की जगह सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा कार्गो प्लेन ही नजर आ रहा है। लेट्स गो, आई थिंक गाइस अभी हम लोग सेफ हैं, तो निकलते हैं जल्दी से घर पे और घर चल के देखते हैं कि हमारा दूसरा टास्क है वो क्या होने वाला है। लेकिन गाइस यार आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा चैनल इस वक्त इतना ज्यादा डाउन चल रहा है, तो अगर आप लोग गाइस हमें थोड़ा सा सपोर्ट करोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को लाइक करके, तो हो सकता है कि हमारा चैनल वापस से रिकवर हो जाए धीरे धीरे। तो यार प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जब सब्सक्राइबर और लाइक ना आए तो यार बहुत दुख पहुँचता है मेरे को सच में। चलो देखते गाइस अभी हमारा सेकेंड टास्क क्या होने वाला है। तो सेकेंड टास्क है हमारा एक्सीडेंट मिलिट्री चीफ। ये लिटरली मोए मोए हो सकता है हम लोगों के लिए क्योंकि गाइस यार मिलिट्री चीफ का एक्सीडेंट करना है कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
मिलिट्री बेस का सबसे बड़ा आदमी जो इस वक्त मिलिट्री बेस को पूरा संभाल रहा है, उसका एक्सीडेंट करना है भाई। अगर भाई उसको गुस्सा आ गया तो पूरा टैंक और आर्मी लेके सीधा मेरे घर में घुस जाने वाला है और हमारे घर तक को उड़ा देगा और हमारे सीक्रेट जो बंकर है उसको भी ओपन करने से पहले ही नामो निशान मिटा देगा वो बंदा। उसका हम लोग एक्सीडेंट करने वाले हैं। आई डोंट नो मैं इस टास्क को कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ गाइस, लेकिन जो भी होने वाला है वो तो मजेदार होगा यार। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ आज और कैसे उस मिलिट्री बेस में घुस के और भी मिलिट्री चीफ ऑफिसर का एक्सीडेंट करने वाले हैं गाइस। लेट्स गो। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा मिलिट्री बेस पर। मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया जरूर चल रहा है, हो सकता है कि मैं रास्ते में उस आइडिया को परफॉर्म भी करूँ, तो इस वीडियो को देखते रहना आप लोग, तब तक हम लोग चलते हैं। ओके, छोटा मोटा जो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने सोचा उसी से काम चला लेते हैं। एक्चुअली गाइस मैं यहाँ से एक साइकिल उठा के लेकर जाने वाला हूँ और ये साइकिल एक्चुअली ये व्हीकल ही है, तो मैं अगर मिलिट्री बेस में जाके मिलिट्री चीफ ऑफिसर को साइकिल से एक्सीडेंट करूँ तो कैसा होगा। मिलिट्री बेस के चीफ ऑफिसर को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है साइकिल से एक्सीडेंट होने के बाद, और अगर उसे गुस्सा आ भी गया तो हम लोग सॉरी बोल देंगे और बोल देंगे भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड हो गया था साइकिल का या फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। चलो लेट्स गो, परफॉर्म करते हैं अपने इस सेकेंड टास्क को भाई। लेकिन फिर भी डर लग रहा है क्योंकि मैं चीफ ऑफिसर का एक्सीडेंट करने जा रहा हूँ। फाइनली गाइस पहुँच तो चुके हैं चीफ ऑफिसर के हेड ऑफिस, बट क्या होने वाला है कैसे करूँगा मैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलो लेकिन गाइस मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पे खड़ा था, मैंने यहाँ पे मिलिट्री बेस का सामने वाला बैरियर ही तोड़ दिया, पर सामने जो नज़र आ रहा है बंदा वो कोई और नहीं गाइस, वो है चीफ ऑफिसर। तो उसका एक्सीडेंट करने के लिए थोड़ा सा अपने साइकिल को हम लोग अतरंगी तरीके से चलाते हैं ताकि सबको लगे कि हमने थोड़ा सा एक्सीडेंटली एक्सीडेंट किया। ओ तेरी ओ पे 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 क्या कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो सॉरी सर, ओ नो गलती कर दिया, हेलो क्या कर दिया मैंने गाइस। लिटरली मैं बस धीरे से धक्का मारने वाला था लेकिन वो मिलिट्री चीफ ऑफिसर भाई अलग ही चीफ बंदा निकला, वो सीधा जंप करके भाई उसका सर मेरे साइकिल से टकरा गया और उसके ब्लड आने लगे। पूरा का पूरा मिलिट्री बेस पागल हो चुका है चीफ के ब्लड देखकर, ये लोग कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं यार। मैंने क्या कर दिया, प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, पूरे के पूरे ऑफिसर्स मेरे पीछे पड़ चुके हैं, जैसे कि मैं हड्डी हूँ और ये लोग कुत्ते बने पड़े हैं मेरे पीछे काम करते गाइस। हम लोग जो है अपनी गाड़ी को अतरंगी तरीके से चलाते तो डेली है, तो अतरंगी तरीके से ही दिमाग लगाते हैं और अतरंगी गाड़ी को चलाते हैं, एक काम करते हैं चलो अपनी गाड़ी को पहाड़ों के ऊपर चढ़ा देते हैं यार। इसके लिए होगा इस पुलिस ऑफिसर तो मेरे पीछे आने से नहीं, मेरे को इतना तो पता है जो हेलीकॉप्टर आने वाला है उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। फाइनली गाइस मैंने तीन के तीन हेलीकॉप्टर जो आ रहे थे उनको तो ब्लास्ट कर ही दिया, पर उतरने की जगह मैं थोड़ा सा गिर गया था, वो बात अलग है, लेकिन उसको इग्नोर करो गाइस। अभी हम लोग चलते हैं घर पे क्योंकि हमारा सेकंड जो टास्क था उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और अभी बचा है गाइस थर्ड जो टास्क मैंने देखा था। फोर्थ वाला टास्क आई थिंक गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना था ना, हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना था यार। मैंने तो अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ, पर समय रहते आप लोग भी अपना टास्क कंप्लीट कर दो, और वैसे भी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग की हेल्प की जरूरत तो मुझे बहुत ज़्यादा है, तो हेल्प कर दोगे तो अच्छा बात रहेगा। लेकिन चलो देखते हैं अपना थर्ड टास्क क्या होने वाला है, तब तक गाइस मजे करो आप लोग भी। ओके ये रहा हमारा चिट्ठी, पढ़ते हैं इसे। फ्लाई स्टंट प्लेन जंप ऑन योर स्विमिंग पूल, व्हाट क्या होने वाला है भाई। एक सेकेंड, हमें एक स्टंट प्लेन उड़ाना है और उसके अंदर से कूदना है, और कूद के सीधा कहाँ पर आना है, हमें अपने स्विमिंग पूल के अंदर जंप करना है, मतलब कि हमें अपने एरोप्लेन को अपने घर के ऊपर उड़ाना पड़ेगा और वहाँ से जंप करना पड़ेगा। पर एक और आइडिया है जिससे हम लोग इस टास्क को इजी टू इजी कंप्लीट कर सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग गाइस पैराशूट की मदद से जंप करेंगे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से जाकर, तो हम लोग पैराशूट से बिल्कुल स्लोली टू स्लोली हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाएंगे और ये टास्क इजी टू इजी कंप्लीट होने वाला है। बट गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसके लिए तो गाइस मुझे देखना पड़ेगा। चलो गाइस देखते हैं प्रॉब्लम आती या फिर नहीं, लेकिन उसके लिए तो सबसे पहले हमें वापस एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट हमारे घर से काफ़ी दूर है तो टाइम तो लगने वाला है।
कि स्टंट ट्रेन हमें एयरपोर्ट पे ही मिलने वाला है, और अगर स्टंट ट्रेन हमें नहीं मिला तो शायद हमें स्टंट प्लेन ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टास्क में सिंपल लिखा हुआ था गाइस स्टंट प्लेन। शाम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, हम लोग यहाँ पहुँचते हमें जल्दी से स्टंट प्लेन ढूंढना होगा वरना रात भी हो सकती है। आई थिंक गाइस हाँ, मुझे एक स्टंट प्लेन नज़र तो आया है कि यहाँ आसपास में कोई भी नहीं है, तो एक काम करते हैं इस स्टंट प्लेन को उठाते हैं और जल्दी से लेके इसे उड़ जाते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए गाइस आप लोग कर ही दो एक बार, तो चलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, और लाइक भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। लेट्स गो, अब स्टंट प्लेन मिल चुका है और इसे जंप कराते कराते उड़ा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन गाइस स्टंट प्लेन से स्टंट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आई डोंट नो कैसे होने वाला है, पर घर के ऊपर चलते हैं पहले, तो फिर जाके देखेंगे कैसे हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। एक मिनट से भी हम लोग चुक चुके हैं, क्योंकि गाइस हम लोग अपने घर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं स्टंट प्लेन लेके, और काफ़ी नीचे भी थे, जंप करना पॉसिबल ही नहीं था। वापस से इसको कट करते हैं, फिर लेट को घुमाते हैं और वापस से चाहिए थोड़ा सा और ऊंचाई पे चलते हैं और वहाँ से जंप करने की कोशिश करेंगे। पैरासूट मैंने ले लिया है, बस एक बार अच्छे से पैरासूट ओपन हो जाए, वरना अगर हम लोग इधर उधर गिरेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। नहीं नहीं भाई, गड़बड़ वापस से गड़बड़ कर दिया, सही जगह पर मैं जा नहीं रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा और ऊँचा मैं अपने एरोप्लेन को उड़ा के लेकर जाने वाला हूँ, और थोड़ा सा स्लो डाउन भी करेंगे ताकि हम लोग जंप कर पाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल क्लोज में आ चुके अपने घर की, और अभी टाइम है गाइस जंप करने का, और ओके फाइनली जंप कर चुके हैं, और ओके एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मेरा पैराशूट ओपन नहीं हो रहा है, पर गाइस अचानक मैंने देखा कि मैं सीधा स्विमिंग पूल के अंदर ही गिर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा डर कम हुआ, बट फाइनली हम लोग जंप करने गाइस आ चुके हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और थर्ड टास्क भी कम्प्लीट हो ही चुका है, बस बचा हुआ है फोर्थ टास्क, तो आप लोग कंप्लीट करने वाले तो जल्दी जाओ फोर्थ टास्क कंप्लीट करो। गाइस नहीं पता है तो आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बट एक और चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, और वो क्या है गाइस, हमें पहले जाना पड़ेगा दुकान पे और वहाँ से लेकर आना पड़ेगा एक रेडीमेड दीवार। दीवार का क्या यूज़ होने वाला है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन जल्दी से चलते हैं दुकान पर खरीद कर लाते हैं दीवार को, वरना गाइस रात हो जाएगी और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे कि हमारे सीक्रेट रूम के अंदर या फिर सीक्रेट बंकर बोलो या फिर कुछ भी बोलो उसके पीछे क्या होने वाला है। लेट्स गो। ओके चलो यार, तीन दीवार खरीदे मैंने, जो रेडीमेड दीवार आता है GTA 5 के अंदर तो कुछ भी हो सकता है यार, आप लोगों को तो पता ही है, बना बनाया सब कुछ मिल ही जाता है हमारे GTA 5 के अंदर। और यहाँ पर गाइस हम लोग लेकर आ चुके अपने दीवार को, और लेकर चलते हैं जल्दी से स्विमिंग पूल के साइड बाई साइड में इसे फिट कर देते हैं, और इससे होगा क्या अभी थोड़ी देर हमको पता चली जाएगा। ओके डू इट गाइस, फाइनली लेट्स गो। अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना टास्क, और यहाँ पे दीवार भी सेट हो चुका है, और अभी टाइम आ चुका है कि हम लोग इस वाले डोर को ओपन करें और देखें कि इसके अंदर क्या होने वाला है। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारा जो पानी है स्विमिंग पूल का वो हमारे सीक्रेट रूम के अंदर ना जाए, और थोड़ा मोड़ा पानी जाने वाला है जो यहाँ पे साइड में इकट्ठा हुआ है, पानी तो घुसा है थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही पानी घुस चुका है हमारे सीक्रेट बंकर के अंदर, पर ये बहुत बड़ा सा एक रूम नज़र आ रहा है, और इसके अंदर पहाड़ पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, पर पहाड़ पत्ती के साथ साथ गाइस पैसे भर भर के नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये पैसे लिटरली में कुछ भीग चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं एक्चुअली में गाइस सीक्रेट डोर के अंदर। हाँ आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा यार आज का ये वाला एपिसोड देख के, मुझे भी मज़ा तो आया, पर मुझे जो लग रहा है गाइस पैसे थोड़े से कम है यार, थोड़ा और पैसा होना चाहिए था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हम लोगों ने, तो चलो उसी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, तब तक के लिए इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं, फाइनली बाय बाय।